वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति आ गए, आज पहला दिन है, आज गणपति की स्थापना है। हम सुबह सुबह उठ गए, नहा धोकर रेडी हो गए और अब वक्त है गणपति के फेवरेट मोदक बनाने का। तो बस अब फटाफट से मैं तैयारी कर रही हूँ मोदक बनाने की। मोदक का सबसे पहले हम डो लगा लेंगे, उसके बाद हम उसकी फिलिंग बनाएंगे। डो बहुत सिंपल है, मैं फ्राइड मोदक बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें एक चम्मच सूजी डाली, घी का मोइन डाला और थोड़ा सा नमक डाला, मोइन इतना कि वो बाइंड होने लगे, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक टाइट सा डो लगा लिया। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डालकर उसे रेस्ट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिया। जब तक वो रेस्ट होता है हम फटाफट से हमारी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए 1-2 चम्मच घी, घी में हमने डेजिग्नेटेड कोकोनट डाला 1/2 कप और 1/4 कप मैंने उसमें पाउडर जैगरी डाली। इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक कि हमारी जैगरी अच्छी तरह से मेल्ट होकर हमारे कोकोनट पाउडर के साथ मिक्स नहीं हो जाती। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता डाले हैं, आप चाहें तो इलायची पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस हमारी फिलिंग भी बन गई, इसे हल्का सा और मिक्स करके निकाल देंगे। अब जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया और साथ में ही कुछ मीठे के साथ नमकीन तो चाहिए ही होता है नाश्ते करने के लिए, तो बप्पा के लिए बन रहे हैं पोहे। तो बस उसके लिए आलू कट करके, आलू और ग्रीन चिली को मैंने सॉटे करके पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक वो पकते हैं फटाफट से मैं अब छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाकर हमारे मोदक को भर लूँगी। तेल हमारा गर्म हो रहा है, जैसे जैसे हमारे मोदक बनते जाएंगे हम उन्हें धीरे धीरे फ्राई करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया है, इससे हमारी फिलिंग बहुत एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी में आ जाएगी, इसे फिल करना आसान हो जाएगा। बीच बीच में मैं पोहे को भी देखती रहूँगी। गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स भी डाल दिए मैंने इसमें और इन्हें वापस से ढककर पकने के लिए छोड़ दिया। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ मोदक को रिफिल करना, सॉरी रिफिल नहीं, मोदक में फिलिंग करना स्टार्ट करती हूँ और फिर धीरे धीरे करके इन्हें हम एकदम सिम फ्लेम पर पका लेंगे, एकदम धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम इसे फुल फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, क्रिस्पी दिखने लगेंगे, लेकिन अंदर से हमारा डो कच्चा रह जाएगा और खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके हम हमारे मोदक फ्राई कर लेंगे और दूसरी तरफ हम हमारे पोहे भी रेडी कर लेंगे। अब मैंने आपसे पूरी रेसिपी शेयर कर ली लेकिन भूल गई आप सबका स्वागत करना। तो गणपति स्थापना की पूजा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और गणपति का स्वागत आप भी ऐसे ही कर रहे होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। जितनी एक्साइटेड मैं हूँ गणपति को लेके, आई होप आप सब भी होंगे, क्योंकि यही तो फेस्टिवल्स होते हैं जब आप इन्जॉय कर पाते हो लाइफ को। अदरवाइज लाइफ में कोविड आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है, हम खुलकर उस तरह से नहीं जी पा रहे जैसे हम पहले जीते थे, बट इन छोटे छोटे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करके हम हमारी ज़िंदगी में खुशियों के पल बटोरते रहते हैं, यादें संजोते रहते हैं। तो बस ऐसा करती हूँ गणपति बापा आपके ज़िंदगी में बहुत सारी खूबसूरत यादें लेकर आएं और आपको ढेर सारी खुशियाँ देकर जाएं, और हमारे मोदक भी बन के तैयार होना शुरू, और साथ में ही मैं दोपहर के खाने के लिए दाल चावल को भिगा कर रख दूँगी। चैनल आज सुबह
सुबह से प्रसाद बना लिया, बेबू क्लास करने बैठ गई, आना नहाने गई हुई है और रवि उसको रेडी कर रहा है। और मैंने अब आपसे बात की है ऐसे फेस टू फेस। नाश्ते में मैंने आपको बताया था कि मैं मोदक बना रही हूँ, तो मोदक बन गए, पोहा बन गए, थोड़ा सा लेट हो गए हम। क्यों रख खड़ी हो गई? कोई बात नहीं, रहने दो, अब मिक्स करो। देखो मैम आगे निकल गई, तो आज देवो ने क्लास अपने आप ही स्टार्ट की, मतलब रवि ने लॉग इन कर दिया, बाकी वो क्लास अपने आप ही कर रही है, मैंने उसको एक्सेस कोई हेल्प नहीं। और अभी थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि रात को सब करते करते लेट हो गए थे, तो मैं थक गई। और सुबह उठ के पहले आप लोगों के लिए व्लॉग अपलोड किया एंड देन फिर बाकी आगे का काम शुरू किया। तो ठीक है, इतना लेट भी नहीं हुई, सब काम हो चुके हैं, प्रिपरेशन हो गए, प्रसाद बन गया, टेबल रेडी है। जस्ट अब जब 11 बजे विवो की क्लास हो जाएगी उसके बाद स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं आज का दिन, दिन तो शुरू हो ही चुका है, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत काम है, पप्पा आ रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना लिया, लंच बनाना है, फिर आज का डिनर बनाना है। आज का डिनर भी स्पेशल बनेगा, रीज़न वाइज कि हम जैनी हैं, तो हम लोगों का साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल पर्यूषण फेस्टिवल चल रहा है अभी, तो संवत्सरी का फेस्टिवल है जिसमें हम लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं, पानी भी बॉइल्ड पानी पीते हैं, आधा चूने का पानी पीते हैं। तो कल वो है, तो उससे पहले हम लोग उत्तर पारणा करते हैं। तो मेरा मन है हम लोग में ट्रेडिशन, लोगों में ट्रेडिशनली आपको याद होगा मम्मी की एक रेसिपी शेयर की थी, मूंगफली के लड्डू का चूरमा और पंचमेल की दाल, वो ट्रेडिशनली बनाया जाता है, तो मेरा मन है वो बनाऊं, लेकिन लेट्स सी बना पाती हूँ या नहीं बना पाती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम है। दोपहर का भी लंच बनाऊंगी, दाल चावल भिगा चुकी, और लंच में स्टफ कैप्सिकम, दाल चावल, सैलेड और चपाती, सिंपल है। और फिर एक केक बनानी है गणेशा के लिए, मोतीचूर की केक बनाऊंगी, वो बनेगी। उसके बाद अगर मेरे अंदर जान बची तो रात के डिनर में स्पेशल मोतीचूर, वो मुठरी के लड्डू और दाल बनाऊंगी, अदरवाइज कुछ और बनाऊंगी, लेकिन बनेगा कुछ ना कुछ अच्छा ही, क्योंकि भाई पप्पा हैं तो पप्पा को कुछ ना कुछ स्पेशल तो खिलाना पड़ेगा, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं काम करना। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। और वक्त आ गया, गणपति आ गए, अब उनका मुंह देखने का वक्त आ गया। मुंह दिखाई तो भाई बनती है हमारे गणपति की, लग रहे हैं ना खूबसूरत। मेरा बहुत मन था, पिछली बार जब लेके आई थी तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला, हम लोकल शॉप से ही लेके आ गए। लोकल शॉप से मेरा मतलब है नियर बाय की शॉप से, लेकिन इस साल मैंने रवि को पहले ही कह दिया था मुझे बहुत क्यूट से गणेशा चाहिए, तो वो मुझे सोडाला लेके गया, आपने देखा ही था हम गए थे वहाँ पर, इतने वैरायटी ऑफ ऑप्शन थे। वैसे तो गणपति हर रूप में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन सफ़े में इस तरह से बैठे मुझे ये उनका ये रूप एकदम भासा गया, एक नज़र में मुझे पसंद आ गए और मैंने कहा मुझे और देखनी ही नहीं है, लेनी है तो यही लेनी है, और बस हम ले आए। और अब मैं कर रही हूँ फटाफट से गणपति पूजा की तैयारी, हमारे गणेशा को तैयार, माला, फूल माला, उनके फेवरेट फ्लावर से डेकोरेशन, साथ में ही अबीर, गुलाल, सिंदूर, मूंग, पंचमेवा और मखाने, गुरदाना, इन सब से उनको प्रसाद का भोग और चढ़ावा। साथ में ही हमने जो प्रसाद बनाया वो भी मैंने वहाँ रख दिया और आरती की थाली भी रेडी कर ली। और ये रवि और बेबू दिखा रहे हैं मम्मी को वीडियो कॉल पर, मम्मी ने कहा कि जब तुम लोग पूजा करो तो प्लीज़ मुझे भी बता देना, तो हमने वीडियो कॉल के थ्रू मम्मी को भी ले लिया। आखिरकार
पूजा का मतलब तो यही होता है जब परिवार पूरा साथ होता है। अब मम्मी यहाँ भले ना हो लेकिन वर्चुअली तो मम्मी हमारे साथ हो ही सकते हैं, तो बस वर्चुअली ही सही मम्मी भी हमारे साथ थे हमारी पूजन में। और बस पूजा की पूरी तैयारी हो गई और अब वक्त है कि हम आरती करें। पूजा करने के बाद हमने फटाफट ब्रेकफास्ट कर लिया और अब नाव हम लोग जा रहे हैं नीचे हमारी सोसाइटी में जो गणपति की फोटो है वहाँ पर। चलते देखते हैं, आपको दिखाते हैं सोसाइटी में पूजा कैसी होती है, कितनी अच्छे से धूमधाम से हम सब मिलकर गणपति की पूजा करते हैं। त्रिपुरा
और ये हमारे सोसाइटी के गणपति। देख रहे हैं ना, हम सब मिलकर कितने धूमधाम से मनाते हैं। मैं जब पहली बार इस सोसाइटी में आई थी, तब पहले साल मेरे अंदर मुझे इतना कुछ नहीं पता था। फिर देख देख कर सबको देखा कैसे क्या होता है, तो मेरे मन में भी भाव यहीं से जागे। तो बस ऐसे ही हम मिलजुल कर गणपति का स्वागत करते हैं, उनके साथ खुशियाँ मनाते हैं, सारे मिलकर इंजॉय करते हैं। आरती पूजन शाम को हमारे यहाँ पे भजन कीर्तन भी होते हैं, और नीचे की पूजा होने के बाद मैं आ गई ऊपर और फटाफट से गणपति का लंच बनाया। लंच में आपको बता ही दिया क्या बनाया था, और ये भोग लगा दिया गणपति को। तो शाम हो गई, अब शाम की पूजा करेंगे। मैं केक बनाने वाली थी, बट कल रात से मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा था। सुबह इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन दोपहर होते होते ना दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका बैक में, मतलब मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ अभी। और खांसी तो है ही, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा। जब आती है तो जान निकाल देती है, और नहीं आती तो किसी को भी ऐसा लगेगा, अरे इसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट किसी को दिखाने के लिए बीमार छोड़ना पड़े हैं। अब बीमारी है या प्रॉब्लम है तो है, और मेरी खांसी तो हमेशा जब भी होती है ऐसी ही होती है। एवरीवन नोस, मतलब जो मुझे जानते हैं, से मेरे घर के लोग, रवि के घर के लोग, रवि के ननिहाल वाले, दे ऑल नोस कि जब मुझे खांसी हुई तब कैसी हुई। तो और ऐसी खांसी ना, इसमें कोई मेडिसिन काम नहीं करती। लाइक मैं आयुर्वेदिक लूँ, होम्योपैथी लूँ, एलोपैथी लूँ, घरेलू नुस्खे लूँ, कुछ लूँ, कुछ काम नहीं करते। ये इसको जब जानी होगी ये तभी जाएगी। बट ठीक है, अब जो आपको जब पता है कि ये चीज़ ऐसे है तो ठीक है, अब कोई कुछ अगर अलग बताता है तो ट्राई कर लेते हैं कि ठीक है भाई ये ट्राई करके देख लेते, ठीक हो जाएगी तो बढ़िया बात है। तो खैर, तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मज़ा आया हो, आपको हमारे गणपति बप्पा प्यारे लगे हों, हमारे प्यारे से गणपति, हमारे बप्पा। भगवान करे बप्पा आप सब पर भी अपनी कृपा बरसाई और आप सबके सारे दुखों को दूर कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, ऑल इज वेल।